Hey guys, what is up? और भाइयों देखो दिवाली आ गई है। और दिवाली आ गई है तो दिवाली के गैजेट्स के ऊपर भी वीडियो आनी बनती थी। और ना दिवाली के गैजेट्स की वीडियो हम अपने चैनल पर ऑलरेडी भाई बहुत टाइम से भी डाल रहे हैं। अलग अलग बहुत सारे ऐसे अजूबे हमने अपने चैनल पर भाई मतलब ऐसे दिखाए हुए हैं। और आज ऐसे ही कुछ अजूबे दिवाली गैजेट्स हमने मंगा लिए थे अपने ऑफिस के लिए, तो हमने सोचा भाई इस वीडियो में भी डाल देते हैं, एक एक करके भाई इनको खोल लेते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर देना, 5000 लाइक का हमारा टारगेट है, जल्दी से उसको कंप्लीट करना है। और आप सभी लोगों को भाई हैप्पी दिवाली, और दिवाली में भाई लक्ष्मी जी की आप पर कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले दिवाली गैजेट की बात करें, और ये गैजेट ना मतलब मैंने वैसे बहुत वीडियोज में देखा हुआ है लेकिन काम कैसे करता है उसको देखने के लिए भाई मैंने इसे मंगाया। और ये है पानी से जलने वाले दिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वैसे दिए भाई तेल और घी से ही जलाने चाहिए, पानी से मतलब दिए वगैरह आजकल भाई टेक है तो ये जलने शुरू हो गए। लेकिन ये मैंने दिए देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से आते हैं। मैंने ये भाई 6 के पैक में मंगाए थे, दिए जैसे लग रहे हैं लेकिन है वैसे ये प्लास्टिक से। अब ये काम कैसे करेंगे भाई ये देखना पड़ेगा। वैसे इसमें नोटिस करोगे ना यहाँ पर ऐसे 2 ऐसे कनेक्शन पॉइंट है, हमने स्कूल में भी पढ़ा है। मतलब ऐसे तो पानी जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, तो अगर इसमें पानी डालेंगे तो शायद ये कनेक्शन जुड़ जाएंगे, तो शायद इसमें यहाँ पर आगे LED लाइट है तो उससे लाइट जलनी चाहिए। लेट्स सी काम कैसे कर रहा है। तो पानी डाल के देखते हैं। ओ जल गया भाई, ये जल रहा है भाई, पानी वाला दिया है तो अगर देख पा रहे हो गया। शेप वैसे दिए जैसी है बट ऑब्वियसली बात है एक LED लाइट है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से तो इसमें बैटरी भी होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऐसे तो पानी से तो दिया जलने वाला नहीं है, मतलब ये लाइट जलने वाली नहीं है। सारे जला लेते हैं एक एक करके। दिखने में तो भाई वैसे देखो दिए जैसे ही तो लग रहे हैं, बट एक चीज है भाई ऐसे दिए आपको मतलब लेने ही हुए हैं पानी वाले। तो मेरे ख्याल से तो देखो भाई अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आप ऐसी जगह पर दिया वगैरह नहीं रखना चाहते जहाँ पर मतलब थोड़ा फायर हैजर्ड रहता है, तो आई गेस उसके हिसाब से तो ये वाले दिए वहाँ पर सही है। बाकी भाई देखो डेकोरेशन वाइज तो ये चीज भी अच्छी लग रही है, मतलब ऑब्वियसली बात है दिए का अपना एक पर्पस होता है हमारे दिवाली में, और ये वाले दिए वो वाला पर्पस तो सॉल्व ही करते हैं। बट एक बार इसको देखते हैं भाई चलता कैसे, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बैटरी लगी होगी, कुछ तोड़ने के लिए भी तो लेके आओ, हाथ से टूट जाएगा। ओ ये भाई इसकी LED तो टूट ही गई, कोई नहीं अपनी शक्ति लगाते जान। ऐसे बोल रहा था ना देखो इसको जलाने के लिए ना यहाँ पर ऐसे 3 जो बटन सेल रहते हैं ना छोटे छोटे से वो यहाँ पर है, तो ये भाई हमारे पानी वाला दिया है जो वैसे बैटरी से जलते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को लगा नहीं था कि मतलब ये बैटरी से जलते हैं, उनको लगता पानी से जलते हैं। एनीवेज और ये दिए मतलब वैसे तो नॉर्मल दियो से थोड़े महंगे ही आते हैं ऑब्वियसली बात है। मैंने इसको परचेज किया था 6 का जो सेट था वैसे 5 रह गए हैं, तो ये हमने परचेज किया 200 रुपये के आसपास। परचेज करना होगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा लगा मुझे वैसे, ठीक है मतलब बच्चों के हिसाब से। अब आ रही है भाई दिवाली वाली फीलिंग, तो दिए भी लग गए यहाँ पर। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट गैजेट के बारे में, और वो है यहाँ पर एक LED लाइट। अब देखो ये LED लाइट है थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये बेसिकली सोलर वाली बहुत सारी लाइटें आती है आजकल भाई वैसी है। इसमें यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक सोलर पैनल दिया हुआ है। अब ये जो लाइट है वैसे आप अपने जैसे बालकनी में हर जगह पर इसको फिक्स कर सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पर धूप आनी जरूरी है। यहाँ पर स्क्रू वगैरह लगा सकते हो या फिर इवन यहाँ पर जो डबल टेप भी है चिपक जाती है इस तरह से। बाकी ये लाइट ऑब्वियसली बात है जब अंधेरा होगा तो ये ऑटोमेटिकली जल जाती है। इस लाइट को जलाने के लिए यहाँ पर ये जो फ्रंट का जो कवर उतारने के बाद नीचे एक ऑन ऑफ का बटन है, एक तरफ ऑन करोगे तो ये नॉर्मल ऐसे वार्म लाइट सी जलती है, ठीक है मतलब अंधेरे में थोड़ी सी लाइट अच्छी खासी लगती है इसकी क्योंकि इस तरह से। बट ये ना एक RGB लाइट भी है और उसके लिए मुझे इसको दूसरी साइड इस तरह से करना होगा। तो अब यहाँ पर ये RGB वाली लाइट ऑन हो गई और देख सकते हो भाई ये थोड़ा बहुत अपना जैसे कलर वगैरह चेंज कर रहा है। वापस से मैं ये इसके ऊपर लगा देता हूँ। देखो स्टूडियो यहाँ पर लाइट है तो अभी ऐसे नहीं जल रही होगी लेकिन मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये देख रहे हो जल गई वापस से। तो रंग बिरंगी मतलब ऑब्वियसली बात है भाई रंग बिरंगी लाइट्स वगैरह जब यूज करते हो ना तो वहां पर आप अपनी बालकनी में कहीं पर भी ऐसी जगह पे लगा सकते हो। अच्छे खासे यहाँ पर भाई ये जो मुझे लाइट लगी इसकी जो इफेक्ट वगैरह भी रहता है, और सोलर है तो मतलब इसको चार्ज करने का या फिर इसको मतलब इस तरह से कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है इसकी, मुझे काफी सॉलिड सी लगी। वैसे मैंने एक ही लिया था, आप मतलब मल्टीपल लाइट्स लेके इसको अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था अराउंड 350 से 400 रुपए। ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी यहाँ पर एक्सपेंसिव है क्योंकि ये सोलर लाइट है और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो उस हिसाब से। लेकिन ये भाई आपको और भी चीप सस्ते वगैरह में मिल जाएगी अगर आप ऑफलाइन में इसको परचेज करते हो, आई थिंक 200 रुपए में मिल जानी चाहिए। बाकी इसको परचेज कर रहा होगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। अब देखो भाई जो तीसरा गैजेट है ना वैसे तो वो दिवाली के लिए नहीं, मतलब वैसे कहीं पर भी किसी भी पर्पज में काम आ सकता है, लेकिन मुझे यार ये दिवाली के लिए बहुत ही यहाँ पर यूजफुल लगा, और वो है एक आर्क लाइटर। वैसे तो ये आर्क लाइटर ना हम किचन वगैरह में यूज करते हैं, मैं अपने ऑलरेडी घर में भी यूज करता हूँ, लेकिन दिवाली में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सबसे पहले तो देखो भाई ये जो है नॉर्मल जैसे आर्क लाइटर आपने देखे होंगे वैसे ही है, इसमें यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन है और ऑब्वियसली बात है इसको आप चार्ज कर सकते हो USB-C के थ्रू। इसको ऑन करता हूं ना तो देख सकते हो इसकी बैटरी इंडिकेटर वगैरह आ रहा है, और इसको अगर मैं यहाँ पर जला के दिखाऊं ना तो कुछ इस तरह से देख सकते हो भाई ऐसे आर्क लाइट देख रहे हो तो जल रही है इसमें। देखो भाई ये जो लाइटर है ना आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जैसे दिए वगैरह
हमारे यहाँ नकली दिए हैं, लेकिन दिए वगैरह जलाने हो तो इससे वो जल जाते हैं, मतलब बहुत ईजी तरीके से। वैसे बोलते हैं वैसे दिए तो लाइटर वगैरह से नहीं जलाते हैं, लेकिन ठीक है मतलब। बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी ना कि ये जो लाइटर है ना आप पटाखे जलाने में यूज़ कर सकते हो, जैसे दूर से रॉकेट वगैरह जलाना या फिर मतलब बड़ा सुतली बम होते हैं ना वो जलाने हो तो भाई ये थोड़ा सा सेफ रहेगा इससे जलाना। ये जो आम है भाई ऐसे एक्सटेंड हो जाती है या फिर इसको मतलब ऐसे बेंड भी कर सकते हो किसी भी एंगल पे, तो सिर्फ दिवाली गैजेट नहीं, मतलब ये वैसे भी कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिवाली के हिसाब से तो काफ़ी सही लगा। मतलब माचिस जेब में रखकर घूमने का मतलब वो झंझट खत्म हो जाता है इससे, और सेफ भी है। एनीवेज भाई बहुत सस्ता सा आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, अराउंड 200 रुपये में मिल जाएगा आपको, ऑफलाइन में शायद 100 रुपये में मिल जाए, लेकिन अगर आप पटाखे चलाते हो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि भाई ये यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। अब जो नेक्स्ट गैजेट है ना वो भी वैसे यहाँ पर सोलर लाइट मतलब बोल सकते हो आप उसको, और आजकल मतलब दिवाली में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे सोलर वाली लाइट्स, मतलब उसका ट्रेंड है क्योंकि सेफ भी रहता है फायर हैजर्ड वगैरह का, मतलब थोड़ा झंझट वगैरह से भी बचता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। और ये यहाँ पर ना एक फाउंटेन लाइट है, मैंने ना ये लाइट मतलब एक कोई शॉर्ट रील में देखा था तो मुझे मतलब इंटरेस्टिंग लगा, मंगा लिया मैंने, देखते हैं भाई है कैसा। वैसे इसके ऊपर लिखा है वैसे डबल लेयर सोलर जेलीफिश लाइट, ओपन करके देखते हैं कैसी दिख रही है। तो सबसे पहले तो भाई देखो ये एक डंडा सा निकला है इसके ऊपर, ये जो सोलर पैनल है ऑब्वियसली बात है इसी से यहाँ पर ये चार्ज होकर जलेगा। एक और डंडा है ये, तो ये आई गेस यहाँ फिक्स होगा और ये आई गेस इधर फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा भाई मतलब ऐसे स्टैंड सा बन गया शायद, और इसको कहीं पर भी ऐसे मतलब आप शायद गाड़ सकते हो कहीं जैसे गमले वगैरह में, लेकिन मेन जो फाउंटेन है वो भाई इस आई थिंक इस छोटे से बॉक्स में होना चाहिए। और हाँ ये शायद वैसा ही है जैसे मैंने मतलब मैं जब छोटा था ना तभी मैंने देखा हुआ है ऐसा, बहुत अलग अलग शॉप्स में लगा होता था, कुछ ऐसा सा ये दिखता है। आई थिंक ये कुछ जैसे फाइबर केबल्स होती है ना वैसी फाइबर केबल है, एक तरह से लाइट जाएगी तो दूसरे एंड पे दिखती है ये, और ये भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर फिक्स हो जाएगी आगे की तरफ। तो अब हमारी भाई पूरी ऐसे फाउंटेन लाइट बन गई है, जेलीफिश लाइट या फिर, और ऑन करने के लिए यहाँ पर एक नीचे सा बटन है तो इसको प्रेस करके कुछ ऑन कर सकते हैं। अब ये शायद जल रही है यहाँ पर, हाँ दिख तो रहा है, वैसे स्टूडियो में इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट पता नहीं लगेगा क्योंकि लाइट्स वगैरह बहुत तेज़ है, लेकिन ये जो फाउंटेन लाइट है ये अंधेरे में तो मतलब डेफिनेटली बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छी खासी सुंदर सी लगती है। और इसका जो सोलर जो पैनल अगर मैं यहाँ पर कवर करूँ तो ये लाइट शायद कैमरे में नोटिस हो तो दिखेगी, तभी एक बार जो स्टूडियो लाइट है उसको बंद कर लेते हैं तब यहाँ पर इफेक्ट देखते हैं एक बार। ओके तो अब स्टूडियो लाइटिंग बंद करने के बाद शायद आपको यहाँ पर नोटिस हो रहा हो कि कुछ इस तरह से इसका जो इफेक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा तो अभी भी नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि कुछ इस तरह से इफेक्ट आता है इसका। तो देखो इफेक्ट तो अच्छा आता है लेकिन जैसे इसकी फोटोज़ वगैरह में हमने देखा था बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्रेंट था, तो वैसा इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे लगता है कि डेकोरेशन वाइज तो ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है ये फाउंटेन लाइट का। और इसके जो स्टार वाला इफेक्ट आता है अगर बिल्कुल अंधेरा ना बालकनी वगैरह में कहीं पर भी जहाँ पर आप इनको लगाओगे तो वहाँ पर ये थोड़े से अच्छा लगता है दिवाली के हिसाब से। देखो मैंने तो ये शॉर्ट रील में देखा था तो मुझे लगा कि भाई मंगा के चेक करते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये ओके ओके है। सिर्फ सोलर वाला जो चीज़ है वो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा कि कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं या फिर कोई लाइट की जरूरत नहीं इसके साथ। बाकी इस भाई फूल झाड़ू को परचेस करना होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने आई गेस इसको वही 300-400 रुपए के आसपास में परचेस किया था, हमेशा की तरह भाई ऑफलाइन में शायद आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाए। उसके बाद भाई लास्ट गैजेट के बारे में बात करने से पहले अगर आपको एक भी यहाँ पर गैजेट पसंद आया ना तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर देना, 5000 लाइक का हमारा टारगेट है उसे कंप्लीट करना है, और इस चैनल पर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। और जो पांचवा गैजेट है ऑब्वियसली ये भी यहाँ पर लाइटिंग ही है, लेकिन ये भाई थोड़ा सा तामझाम वाला सीन है। वैसे मैंने अमेज़न पे जब मैं देख रहा था तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा भाई मंगा के चेक करते हैं। मतलब इसके बॉक्स पे जैसा देख सकते हो इस तरह से ये कुछ फुलझड़ी टाइप का है, जैसे फायरवर्क वगैरह होता है ना तो ये यहाँ पर इफेक्ट वगैरह आता है इसका। मुझे लगा था कि शायद कुछ ऐसे अलग अलग पाइप्स वगैरह के जो शेप में आएगा, बट ऐसे एक छोटे से बॉक्स में आया, ओपन करके देख लेते हैं। तो ये जो है ना भाई कुछ इस तरह से आया है मेरे पास भाई, काफ़ी ऐसे तामझाम सा भाई, मतलब इसको लगाने में ही शायद मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लगने वाला है। बट उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर दो छोटी सी चीज़ें और हैं, एक इसका रिमोट है क्योंकि ये रिमोट से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा ये कुछ USB पोर्ट्स है, बेसिकली ये कुछ इस तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यानी कि ये जो लाइट है आप किसी भी पावर बैंक के साथ इसको चला सकते हो, तो ये अच्छी बात है। बाकी रिमोट के साथ ये कंट्रोल हो जाती है, बट इसको लगाना जैसे मतलब भाई थोड़ा सा टास्क है, तो एक बार इसको लगा लेते हैं फिर देखते हैं भाई यहाँ पर ये वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले तो इनको लगाने के लिए ना इनके पीछे स्टिकर्स हैं, तो वो स्टिकर्स हटा के आराम से किसी भी सरफेस पे आप चिपका सकते हो। अब देखो भाई यहाँ पर ना इस तरह से एक पैटर्न है, तो हर के पीछे स्टिकर जो है उसको उतार कर इस तरह से पूरा एक फुल जड़ी जैसी शेप है वो पूरी यहाँ पर बन जाती है। अब इसको एक बार हम अपने भाई पावर बैंक से लगा कर ऑन कर ले और देखते हैं भाई इफेक्ट कैसा आ रहा है। तो दिखने में तो भाई देखो बहुत ही बढ़िया लग रही है ये लाइट, अलग अलग यहाँ पर पैटर्न है, इफेक्ट भी वैसे ही आ रहा है जैसे मतलब लग रहा है कि फायरवर्क वगैरह यहाँ पर भाई पूरा चल रहा है। और इसके साथ ना इस तरह का एक रिमोट है, तो यहाँ पर अलग अलग इसके जो पैटर्न है चेंज कर सकते हो। अभी तो वैसे थोड़ा सा दिन है लेकिन जैसे रात में अंधेरे में थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर इसका जो इफेक्ट पता लगेगा, लेकिन मुझे भाई
भाई देखो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रही है लाइट। अगर आपने अपनी बालकनी में लगाई या फिर इंडोर में भी लगाते हो ना तो भी डेकोरेशन वाइज ये जो लाइट्स है मुझे बहुत बढ़िया लगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो इसके रिमोट के थ्रू आप मतलब चेंज कर सकते हो। मेरे को ये वाला जो इफेक्ट है फायरवर्क वाला वो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थोड़ा यूनिक सी लाइट है नॉर्मल लाइट से, अगर आप इस तरह की लाइट से डेकोरेशन करना चाहते हो तो ये भाई डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफी अच्छी दिखने वाली लाइट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइट पर है वैसे, मैंने इसको परचेज किया था 700 रुपए में। देखो भाई 700 रुपए में लग रहा होगा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे यहाँ पर भाई जो इफेक्ट है ना उसकी वजह से ये काफी यूनिक लगा और मतलब अच्छा लगता है। मतलब दिवाली पे इस तरह की लाइट्स वगैरह के साथ थोड़ा डेकोरेशन अच्छी लगती है। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ये जो लाइट है ना साउंड के साथ भी यहाँ पर रिएक्ट करती है। अगर आसपास ना पटाखे वगैरह वैसे ही चल रहे हैं ना तो ये जो लाइट है ना ऐसे ही मतलब रिएक्ट करेगी जैसे फायरवर्क जल रहा है, तो मुझे ये भी चीज बड़ी अच्छी लगी इस लाइट में। और अगर आपने इसको परचेज करना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। मुझे तो बढ़िया लगी ये लाइट, आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करो। तो भाई ये है हमारे आज के दिवाली के कुछ ऐसे गैजेट जो मुझे भाई इंटरेस्टिंग लगे, एक आधे को छोड़ के जो मैंने बताया भाई थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है। सही है झाड़ू वाला, बाकी ये जो पानी वाले दिए इंटरेस्टिंग है, मैंने बोला भाई ये मुझे अच्छे लगे हैं अगर घर में बच्चे हैं। बाकी इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे दिवाली के गैजेट्स के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो अगर आपने उनको चेकआउट करना हो तो आपको यहाँ पर लिंक कहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, स्क्रीन पर आ जाएगी वीडियो। बाकी दिवाली की आप लोगों को भाई शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा देना, 5000 लाइक हमारा टारगेट, उसे कंप्लीट करना है। और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, एंड हैप्पी दिवाली।